इंदौर के जेल रोड के मोबाइल व्यापारियों में रुपयों के लेन देन को लेकर मारपीट की घटना सामने आई है, जहां दुकानदारों ने अपने 3 लड़कों के साथ एक व्यापारी की पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि इंदौर के जेल रोड स्थित डॉलर मार्केट के सामने उस समय अफरा तफरी मच गई जब 2 व्यापारी आपस में भिड़ गए। मोबाइल एसेसरीज सप्लाई करने वाले जगदीश काला ने आशीष मोबाइल गैलरी पर कुछ एसेसरीज दी थी, जिसका 5,000 रुपये का पेमेंट लेने के लिए गए हुए थे। इसी दौरान आशीष और उसके साथियों ने जगदीश काला के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट की घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर MG रोड थाने में मामला दर्ज किया गया और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इंदौर से अभिजीत सिंह के साथ दीपक सिंह और ब्यूरो राकेश अच्छर की रिपोर्ट। विवाद का मामला सामने आया था, सर क्या है पूरा मामला? कल शाम के 6 बजे की बात है। जेल रोड स्थित 2 दुकानें जो मोबाइल एसेसरीज़ का और मोबाइल का काम करते हैं, दोनों पक्षों के बीच में 5,000 रुपये का आपसी लेन देन था, जिसको 5,000 रुपये सामने वाली दुकान वाले से लेना था। तो वो दुकान पर मांगने पैसे गया कि भाई इतना समय हो गया है, आपने अभी तक पैसे नहीं लौटाए हैं। इस बात को लेकर उनके दोनों के बीच में गहमी हुई, वाद विवाद हुआ। तो उस दुकान पर काम करने वाले 2 लोग और वहाँ के जो संचालक थे, उन्होंने मिलकर आहत को मारपीट करी, जिससे उनकी दाहिनी आँख के ऊपर एक गुंबज भी उठ गया और कपड़े वपड़े भी फट गए थे। और उनको माँ बहन की गालियाँ वगैरह दी और झगड़ा मारपीट की, जिस पर से उनकी रिपोर्ट पर थाने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना जारी है। सर कुछ CCTV फुटेज में कुछ आरोपी भी नज़र आ रहे हैं सर? CCTV फुटेज दुकानों के निकाले थे हमारे विवेचक ने जाकर, तो उसमें अंदर के CCTV फुटेज तो नहीं आए, लेकिन बाहर रोड पर आकर भी मारपीट के दृश्य आरोपियों के द्वारा पीड़ित के साथ दिखाई दे रहे हैं। सर गंभीर चोट भी आई है? नहीं, गंभीर चोट तो नहीं है, चोट तो साधारण है, लेकिन चूंकि वो इंटरनल चोट है तो उसके लिए अलग से और जो एक्सपर्ट ओपिनियन होती है मेडिकल ऑफिसर की, वो उसके लिए अलग से और परीक्षण कराया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।